तो जी बस आज की डेली रूटीन में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग फेस पैक है ये। और ये खासकर आपकी जो ब्लैक पार्ट्स होते हैं बॉडी के, नक्कल्स हो गए, गर्दन हो गई, आप इसको इन फेस पे भी लगा सकते हैं। अपनी गर्दन को मत भूला करें, अपनी कोनियों पे लगाएं, अपने टखनों पे लगाएं। इंशाल्लाह ताला आपको आधे घंटे में भी 75 से 80% इसका रिजल्ट मिलेगा। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये फेस पैक आपको कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, आमीन सुम आमीन। दस स्किन वाइटनिंग रेमेडी बताऊंगी जिन मेरी बहनों की नेक काली हो गई है, फेस डबल टोन हो गया है, स्किन ढीली हो गई है, तो ये आपने फेस पे लगाना है। फेस पैक आपने लगाना है आधे घंटे के लिए और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको अर्जेंट वाइटनिंग इससे मिलेगी। तो जी बस यहाँ पे मैंने लेना है छोटा सा एक सेब, बिल्कुल आपने इस तरह का सेब ले लेना है और उसको आपने कद्दूकस करके और उसका आपने जूस निकाल लेना है। और यहाँ पे आपने केले ले लेने हैं और आपने सिर्फ़ और सिर्फ दो केले लेने हैं यहाँ पे, और उनको मैंने छील कर, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। यहाँ देखें बहुत बिल्कुल पेस्ट उसका बना लिया है, बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बन गया है और इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं छोड़नी है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर क्या शामिल करना है, बस ये मैंने जो सेब का यहाँ पे जूस लिया ये है और यहाँ मेरे पास ये मसूर की दाल है। अच्छा, जब भी आप रेमेडी बनाएं कोशिश करें कि पहले ड्राई चीज़ें डाला करें उसके बाद आप लिक्विड वाली में डाला करें इसके अंदर। तो यहाँ मैंने एक चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ले लिया है और दूसरे नंबर पर मैं यहाँ लूँगी चावल का आटा। अच्छा, इसके मैं आपको फ़ायदे बता दूं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं व्यूअर्स। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी, अगर आपकी नेक ब्लैक हो गई है, अगर आपका फेस डबल टोन हो गया है, अगर आपकी कोनियों के ऊपर, टखनों के ऊपर ब्लैक ब्लैक निशान पड़ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला पहली एप्लीकेशन से 75% से 80% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ मैंने चावल का आटा डाल दिया इसके अंदर एक चम्मच और एक चम्मच और दो चम्मच मैंने चावल का आटा डाला इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्दी लेनी है। आप कोशिश करें कि आप घर की हल्दी, अगर आप ले के कच्ची हल्दी को सुखा कर उसको आप पीस लेंगे तो वो पीला रंग नहीं छोड़ती। आधी चम्मच यानी कि एक चम्मच का चौथाई हिस्सा हमने इसमें हल्दी डाल दी। और यहाँ पे हम डालेंगे दही। तो ये देखें दही जो है हमारा हमने लिया है दो चम्मच, एक और ये दो। ये आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज लाएगा, स्किन को ग्लो देगा और स्किन के ऊपर से जितने भी दाग धब्बे हैं इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगे। जी दही डालने के बाद यहाँ हमने जो जूस निकाला है सेब के उसका सेब का कद्दूकस करके, ये तकरीबन दो चम्मच है, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। और यहाँ पे भी मैं डालूँगी इसके अंदर शहद तकरीबन और तकरीबन दो चम्मच, ये मैंने शहद डाल दिया इसके अंदर दो चम्मच के करीब। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी बादाम का ऑयल। तो जी हाँ, बादाम का ऑयल आपको पता है स्किन के लिए कितना बेस्ट है। एक चम्मच मैं बादाम का ऑयल डालूँगी इसके अंदर और अभी मैं आपको इसकी एप्लीकेशन करके भी बताऊंगी। और पहले मैं इसको करूंगी अच्छे से मिक्स, इतना मिक्स करें कि ये आपका ना पतला और ना मोटा जो है ना इसका जो है ना फेस पैक बने। ये आप फेस पे भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो फुल बॉडी पे भी आप लगाकर इसको आधा घंटा रखें और उसके बाद आप अपनी बॉडी को वॉश कर लेंगे तो आपको इसके 100% फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर 100% ना मिले तो 75% रिवर्स ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ इसकी। जी बस यहाँ पर मैंने फेस पैक को बहुत ज़बरदस्त मिक्स कर लिया है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह अपने हाथों के ऊपर इस तरह आपने इसको लगा लेना है और आपने आधे घंटे के लिए इसको लगाकर छोड़ देना है। ये आधे घंटे के बाद ये आपकी स्किन की डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये सूखेगा। इस तरह आप लगा लेंगे और आप यकीन माने कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को उतारेंगे अपने फेस के ऊपर से, इतने ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त जो है ना घर की चीज़ों से रिज़ल्ट मिलते हैं। अक्सर आपके घर के अंदर केले आ जाते हैं और ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाते हैं तो आप क्यों उनको फेंकें। आप हेयर पैक बनाएं, अपने इंशाल्लाह ताला हेयर पैक भी आपसे शेयर करूँगी और आप रेमडियाँ बनाया करें और घर की चीज़ों से बहुत चीज़ें जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनसे भी बस बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है और आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह इसको मैं वॉश करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। बस यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है और यहाँ पे ये देखें जो मैंने बनाना फेस पैक लगाया था वो खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह हल्का सा मसाज करेंगे इसको उतारने से पहले, जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक नक्कल्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह करने के बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे आपके सामने।
और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। तो ये देखिए भी बस, अगर हमारी यानी कि हाथ के ऊपर इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है तो जब हम अपने फेस पे लगाएंगे तो खुद सोचें कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने वाला है। ये देखिएगा, ये देखिए जनाब, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी जो भी रेमेडी होती है मैं उसको पहले ख़ुद अपने ऊपर टेस्ट करके, उसको ट्राई करके अड़ोस पड़ोस में, उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैं बिना आजमाए हुए कोई भी रेमेडी जो है आप लोगों से शेयर नहीं करती। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, ये मेरे अब हाथ कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये देखें, अभी मैं आपको दूसरा हाथ भी दिखाऊंगी, लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इसके ऊपर एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये देखें बिल्कुल फ़र्क जो है साफ ज़ाहिर है। ये देखें पूरी यहाँ से टैनिंग हो रही थी मेरी स्किन के ऊपर, यहाँ देखिएगा, ये देखें, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है तो जी। बस ये थी मेरी आज की रेमेडी और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको ज़रूर पसंद है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।